अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 19 फरवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज़। शब मेराज के मौके पर 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों की मस्जिद अक्सा आमद, शब बेदारी, इबादत व अस्कार और जलजला मुतासरीन के लिए की दुआएं। शब मेराज पर जज्बाती हुए उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम, कहा खुदा हमें अलक्सा की हिफाजत की और अमानत को उठाने वाला बनाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज की जगह को देखभाल करने में करे मदद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महदूद करने इसराइली हुकूमत का अदलिया के इदारे में इस्लाहियत। नितिनयाहू हुकूमत के खिलाफ तेल अवीव में 1,00,000 अफराद का एहतजाज। तुर्की और शाम में जलजले की तबाही जारी, हलाकतों की तदाद 46,000 से मुतजावज। घाना के फुटबॉलर क्रिश्चियन उत्सव जलजले के बाद मलबे तले पाए गए मुर्दा। तुर्की और शाम के जलजला मुतासर अफराद को सऊदी अरब की इमदाद जारी, अब सऊदी फिजाई पुल के जरिए खैमे और खाने पीने की चीज़ें भेजी गई तुर्क शाम। पहले से ही तबाहकुन जलजले से तबाह शाम में इसराइली मिज़ाइल हमले, दारुलहुकूमत दमश्क में मिज़ाइल हमले में 15 अफराद हलाक और 1 रिहाइश इमारत तबाह। ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला एक बार फिर शुरू, 2 अफराद को फांसी देने के 40 दिन मुकम्मल। तवील खामोशी के बाद ईरानी मुजाहिरीन एक बार फिर निकल आए सड़कों पर। अमेरिका में आए दिन फायरिंग के वाकयात, अमेरिकी सदर जो बाइडन जानी नुकसान से तंग, कहा फायरिंग के वाकयात वबा, कांग्रेस को लेना होगा एक्शन। चीनी जासूसी गुब्बारा मार गिराने मामले पर अमेरिका और चीन करेंगे बातचीत, अमेरिकी सदर ने कहा मैं इस गुब्बारे को मार गिराने पर नहीं करूंगा कोई माजरत। मरकजी वजारत खारजा की जानिब से ई पासपोर्ट पुलिस ऐप मुतारफ, पुलिस तस्दीक का वक्त 15 दिन से कम होकर हो जाएगा 5 दिन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद पर दिया जोर, कहा अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो 2024 में बीजेपी को महदूद रखना मुमकिन। 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार के दावे पर बीजेपी का जवाबी हमला, कहा नीतीश हो चुके ज़ईफ, जेडीयू खात्मा तय। ठाकरे फैमिली के हाथ से छीन गई शिवसेना की कमान, सीएम एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे की सख्त तनकीद, कहा इस चोर को सिखाएंगे सबक। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे को तस्लीम किया हकीकी शिवसेना, एमपी संजय रावत ने लगाया बड़ा इल्ज़ाम, कहा इंतकाबी निशान हासिल करने हुआ 2,000 करोड़ का सौदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीएम केजरीवाल की तजवीज़ को किया मंजूर, 22 फरवरी को होगा दिल्ली के मेयर का इंतका। हरियाणा के भवानी में गौ रक्षकों की जानिब से जलाकर कत्ल कर दिए गए जुनेद नासिर के घर राजस्थान पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हुकूमत से किया सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मोदी हुकूमत की जानिब से बसगीर की तारीख मस्ख करने की कोशिश है, अब बीजेपी एमपी संगम गुप्ता ने लखनऊ का नाम लक्ष्मण या लखनपुरी रखने की दी तजवीज़। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नामजद, एक्टर ने कहा यूनिसेफ के साथ बतौर कौमी सफीर बच्चों के हकूक की वकालत को बढ़ाऊँगा आगे। टॉलीवुड एक्टर व टीडीपी लीडर तारका रत्ना का हुआ देहांत, जनवरी में एक्टर को नारा लोकेश की पदयात्रा में आया था दिल का दौरा, अस्पताल में थे जेर इलाज, कई सरकर्दा लोगों ने दुख का किया इजहार। तेलंगाना में कांग्रेस की एक और पदयात्रा की तैयारी, कायद मुकर्रना मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मार्च के पहले हफ्ते से पदयात्रा का आगाज, बासरा से पदयात्रा होगी शुरू। तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने बीजेपी की सरगर्मियां शुरू, पार्टी की 11,000 मीटिंगें, बीजेपी सदर जेपी नड्डा फरवरी के आखिर में करेंगे तेलंगाना का दौरा। वाईएस शर्मिला ने बीआरएस एमएलए शंकर नायक के खिलाफ किए नामुनासिब रिमार्क्स, पुलिस ने रोक दी यात्रा, शर्मिला को किया गिरफ्तार, हैदराबाद किया मुंतकिल। तेलंगाना में शदीद गर्मी, 15 मार्च से स्कूल एक शिफ्ट में करेंगे काम, महकमे तालीम ने स्टूडेंट्स को गर्मी की शिद्दत से बचाने किया ये फैसला। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में तकरीबन 10 सेकंड तक जलजले के हल्के झटके किए गए महसूस, मुकामी अफराद में खौफ, कई अफराद घरों से निकल आए बाहर।
आंध्र प्रदेश के बाबटला में खौफनाक सड़क हादसा, कार डिवाइडर से चढ़कर सड़क की दूसरी सिमत जा गिरी। इसी दौरान कार को लॉरी ने मार दी टक्कर, 5 अफराद हलाक। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।